पावर पैटर्न माइक्रो सीरीज में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे हैमर की। आपने ये नाम बहुत बार सुना होगा, हैमर मतलब एक हथौड़ा। अब हथौड़े का शेप कैसे रहता है? एक डाउन ट्रेंड के बाद रेड कैंडल, रेड कैंडल, उसके बाद एक हैमर बनता है। हैमर मतलब क्या कि मार्केट खुला बहुत नीचे तक गया लेकिन क्लोज होते होते वापस ऊपर आ गया, मतलब उसने नीचे शैडो बना दिया, छोटी सी बॉडी ऊपर की तरफ और नीचे बड़ा शैडो। अब बॉडी छोटी और शैडो बड़ा होगा और वो भी नीचे की तरफ, मतलब नीचे से डिमांड आ रहा है और वापस बुल्स एंटर कर रहे मार्केट के अंदर और ऊपर की जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ये हैमर को कंफर्मेशन मिलता है, जैसे इसका हाई क्रॉस होता है, मतलब बुल्स ने पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया है और हम लॉन्ग करने के लिए तैयार है, तो हमारा एंट्री कहां होगा? हैमर के हाई के ऊपर, स्टॉप लॉस कहां होगा? हैमर के लो के नीचे, और टारगेट कहां होगा? हमारा पिछला स्विंग हाई। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट ऑल दिस कैंडल पैटर्न, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब टू लर्न ऑल द कैंडल पैटर्न्स।